कुआरी मरियम के पेट के बच्चा पैदा हो गया होगा वो ये कहते हैं कि ईसाई न क्योंकि जिन्होंने लोगों ने क्योंकि उन्हें बारे जो लिखा गया ना उन्हें तो 300-400 साल बाद लिखा गया वो प्रभु यशु मसीह बारे माता मरियम बारे बाइबल बारे बहुत गंदियां टिप्पणियां कर रहा पर कल मसीह भाईचारे बंदा टारगेट नहीं कर रहा वो जो हिंदू भाईचारे बंदा टारगेट कर रहा। दोस्तों जो ये व्यक्ति अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं मैं आपको बता दूं पंजाब में अभी इनकी वजह से एक और कंट्रोवर्सी शुरू होने पर आ गई है क्योंकि मसीहत को लेकर के और कुछ हिंदू धर्म को भी लेकर के इन्होंने ऐसी टिप्पणियां कर दी हैं जिसकी वजह से इनके ऊपर पर्चा तक करा दिया गया है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं और दिखाने भी जा रहा हूं कि इन्होंने ऐसी क्या बातें बोली हैं कि इनके ऊपर पर्चा तक दर्ज करा दिया अंकुर नरला मिस्त्री के प्रधान भाई गौरव ने। पर दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो लोग ऐसी टिप्पणियां करते हैं उनसे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब होता है। चाहे वो कहीं पर भी टिप्पणियां की जा रही हों, चाहे देश में हमारे किसी भी राज्य में की जा रही हों, वहां का माहौल खराब होगा अगर हम गलत टिप्पणियां किसी भी धर्म को लेकर के करेंगे। ऐसे ही इस व्यक्ति ने भी की है दोस्तों, जिनकी वीडियो मैं अभी आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। पहले आप इन सरदार जी की वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर मैं आपको अंकुर नरला मिनिस्ट्री के प्रधान की वीडियो भी दिखाऊंगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो पंजाबी में है दोस्तों लेकिन मैं आपको इसको हिंदी में भी बताऊंगा। आइए देखते हैं इस वीडियो को। पति ना होवे ते पति तो बगैर कुवारी नूं ही बच्चा पैदा हो गया होवे, भारत दे करण दी की गल करदे हो फिर? सेम एपिसोड है 29 वाला, कुवारी मरियम दे पेट दे विचों बच्चा पैदा हो गया होगा। वो ये कहंदे ने कि ईसाई नूं क्योंकि जिन्हां लोकां ने क्योंकि उन्हें बारे जो लिखा गया ना उन्हें तो 300-400 साल बाद लिखा गया। ईसा मसीह दे वेले कुछ नहीं लिखा गया, बाद विच गोस्पल आए आ, गोस्पल तो बाद फिर न्यू टेस्टामेंट बनी है, उहदे विच इह कहानी आई है। कुछ गोस्पल हैगे ने पहले जिहड़े आ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਮ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰੀਮ ਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਆਪ ਹਮਾਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ राजस्थान या राजस्थान के आसपास कहीं से भी देख रहे हैं तो आपके लिए एक मेरे पास खुशखबरी है। परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय इमानुएल राजस्थान में श्री गंगानगर में आ रहे हैं, वहाँ आप सबके लिए प्रार्थनाएं की जाएंगी, आपको परमेश्वर का वचन सुनाया जाएगा। आप चाहे कैसी भी बीमारी परेशानी में आप आ सकते हैं राजस्थान की इस मीटिंग में। मैं आपको बता दूं ये मीटिंग श्री गंगानगर में होने वाली है, स्क्रीन पर अभी आप इस एड्रेस को देख रहे हैं। अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं इस मीटिंग के बारे में तो आप इस दिए गए नंबर पर फोन भी कर सकते हैं, आप खुद भी इस मीटिंग में आए और लोगों को भी लेकर के आए। अभी आपने दोस्तों इस वीडियो को देख लिया, मैं आपको बता दूं इन सरदार जी की जो टिप्पणियां हैं बहुत गंदी और बहुत बेकार है। वो इसीलिए क्योंकि इनका ऐसा कहना है कि कोई भी कुवारी गर्भवती नहीं हो सकती जब तक वो किसी पुरुष के पास ना जाए, और इनका इस वीडियो में ये भी कहना है कि जो गॉस्पल्स हैं वो बाद में लिखे गए, यीशु मसीह के बाद में जब उनको क्रूसीफाई कर दिया गया उसके बाद जो चेले थे उन्होंने गॉस्पल्स लिखे। लेकिन मैं इनको एक बात बताना चाहता हूं, जो गॉस्पल्स लिखे गए वो गॉस्पल्स ऐसे ही नहीं लिखे गए, वो पवित्र आत्मा से भर करके लिखे गए, और पवित्र आत्मा इस दुनिया की नींव रखने से पहले से है क्योंकि वचन में ही लिखा है कि वो परमेश्वर आदि और अंत है, परमेश्वर से ही शुरुआत हुई है, और परमेश्वर के आत्मा को ही पवित्र आत्मा बोला जाता है जिसकी अगुवाई में गॉस्पल्स लिखे गए। फिर उसके बाद दोस्तों जो मुझे सबसे बुरी बात लगी वो ये इन सरदार जी की कि इनका एक मानना है कि जो यीशु मसीह है जो उसके बारे में पिछले गॉस्पल्स में बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है, कोई ऐसी घटना का जिक्र पिछले गॉस्पल्स में भी नहीं किया गया है, ये सब सिर्फ बाद में लिखे गए और एक कहानी है। सबसे ज्यादा बेकार बात दोस्तों मुझे यही लगी क्योंकि इन लोगों को कोई भी जानकारी नहीं होती है किसी भी धर्म के बारे में, सिर्फ ये ऊपर ऊपर से पढ़ करके कुछ भी बोल देते हैं कैमरे पर आकर के। मैं आपको वचन से दिखाना चाहूंगा, आप वचन पढ़ सकते हैं, यशाया 7:14 में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। अब यहाँ पर जो यशाया नबी हैं मैं आपको बता दूं यीशु मसीह के जन्म से भी काफ़ी 100 साल पहले के नबी हैं, ये इस बात को लिखते हैं, यहाँ पर ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, और यहाँ पर भी जिक्र हुआ कुवारी गर्भवती होगी, और यहाँ पर आपको सबको पता है कि कौन ऐसा है बाइबल में जिसने कुवारी स्त्री से जन्म लिया। ये लोग सिर्फ दोस्तों बेकार की बातें करते हैं, बकवास करते हैं, क्योंकि ये बातें किसी भी तरीके से ठीक नहीं ठहराई जा सकती। जब आपको किसी के धर्म के बारे में जानकारी ही नहीं है तो क्यों फालतू में आकर के मीडिया में बयान देने, क्यों कैमरे के आगे आकर के कुछ भी अनाप शनाप बोलना है। इस वचन से ये बात भी इनकी झूठी हो गई कि पहले किसी भी गॉस्पल में इस बारे में जिक्र ही नहीं हुआ। मैं आपको पढ़ के सुना चुका हूँ कि किस तरीके से यशाया नबी भी बोलते हैं, वहाँ पर भविष्यवाणी करते हैं, कुवारी स्त्री के बारे में जिक्र करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो अंकुर नरला मिनिस्ट्री के प्रधान भाई गौरव का है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। और आज मैं सवेरे
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਮ ਦਾ ਟੀਵੀ ਆ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੱਲੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੀ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ TRP ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 295 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਡੇ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਕਿ ਜੋ ਸਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ TV ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਭੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਦੇਖ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਆਪਕੋ ਸਾਫ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅੰਕੁਰ ਨਰੋਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਇਨ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਮਤਲਬ FIR ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਮੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਕੋ ਲੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ ਉਸਕੋ ਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦੂੰ ਜੋ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੈ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਕਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਨਕਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੇ ਰਹਾ ਹੈ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ TRP ਕੇ ਲਈ ਇਹ ਐਸੀ ਐਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਸੇ और उसके बाद दोस्तों इन्हीं सब बातों को लेकर के कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है अगर आपको बयान देने हैं तो आप अपने धर्म को लेकर के कुछ भी बयान दीजिए मीडिया पर कुछ भी आकर के बोलिए कोई आपको कुछ बोलने वाला नहीं है लेकिन आप गलत प्रिडिक्शंस बता रहे हैं बाइबल से बाइबल के गॉस्पल्स को गलत बता रहे हैं आप ये बोल रहे हैं ये हवाला दे रहे हैं कि वो तो यीशु मसीह के बाद लिखे गए तो ये तो बेकार की बात हो गई बाकी दोस्तों आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय को लिख करके बताइएगा हम आपके लिए ऐसी वीडियोस अपने चैनल से हमेशा लाते रहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में तब तक के लिए सबको जय मसीह की प्रभु आपको बहुत आशीष दे।